यूपी में छिड़ी चुनावी जंग को यूपी टाइप का नया मुद्दा मिल गया है। दरअसल बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मीडिया से रूबरू थीं। तभी एक पत्रकार ने बजट पर राहुल गांधी की नाराजगी से जुड़ा सवाल पूछ लिया। निर्मला सीतारमण ने पास में बैठे अपने सहयोगी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसका जवाब वो देंगे, और पंकज ने दो टूक जवाब देते हुए कहा राहुल को बजट समझ में ही नहीं आया। निर्मला ने उनकी इस टिप्पणी को यूपी टाइप करार दे दिया। अपोजिशन ने यह कहा है कि जो आपका जो आज बजट है वो डायरेक्शन लेस है और इसमें सिर्फ भविष्य की बात की गई है, तात्कालिक राहत के लिए कुछ नहीं है। और राहुल गांधी ने तो इसे कह दिया जीरो सम बजट कहा है। उन्होंने कहा है कि इसमें सैलरीड क्लास के लिए, मिडिल क्लास, गरीब, युवा, किसान, MSME के लिए कुछ भी नहीं है। तो सवाल ये है कि क्या विपक्ष को और खासतौर से राहुल गांधी को आपका ये बजट समझ में नहीं आया, या फिर उन्होंने राजनीति के चलते ऐसा कह रहे हैं वो लोग? जो बाद में आपने कहा कि राहुल गांधी को शायद समझ में नहीं आया होगा, यही बात सही है, क्योंकि इस बजट में सारे चीज़ों की सारी व्यवस्था की गई है। अभी मैडम सारी चीज़ का आंसर दे भी रही हैं। हर सेक्टर के लिए दूरगामी बजट है ये, निश्चित तौर से इससे देश को और भविष्य में फायदा होगा। I think he's given that typical UP type of an answer, which is good enough for a MP who ran away from UP. और कांग्रेस मानो मौके की ताक में बैठी थी। प्रियंका गांधी ने फौरन ट्वीट करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की इस टिप्पणी को राज्य मान सम्मान से जोड़ दिया। उन्होंने लिखा, निर्मला सीतारमण जी, आपने यूपी के लिए बजट के झोले में कुछ नहीं डाला, ठीक है, लेकिन यूपी के लोगों का इस तरह अपमान करने की क्या जरूरत थी? समझ लीजिए, यूपी के लोगों को यूपी टाइप होने पर गर्व है। हमको यूपी की भाषा, बोली, संस्कृति और इतिहास पर गर्व है। #UPMeraAbhiman। हर बार लोगों को इंतजार रहता है कि बजट आएगा तो उसमें क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा। इस दफा ये इंतजार और तगड़ा था, क्योंकि लोगों को महंगाई खाए जा रही थी। तो आइए आपको दिखाते हैं इस बजट में क्या क्या सस्ता हुआ और क्या क्या महंगा हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना चौथा बजट पेश किया तो बजट में अलग अलग सेक्टरों के लिए कई घोषणाएं की गई, लेकिन आम आदमी की जेब पर किस तरह से बोझ बढ़ने जा रहा है और किससे उसे राहत मिलने वाली है, आइए जानते हैं इस बार बजट में क्या हुआ सस्ता और क्या हुआ महंगा। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कौन कौन सी चीजें सस्ती हुई। चमड़े का सामान, कपड़ा, जूते चप्पल, खेती का सामान, पैकेजिंग के डिब्बे, मोबाइल फोन चार्जर, डायमंड ज्वेलरी, विदेश से आने वाली मशीनें, कट और पॉलिश्ड डायमंड पर भी कस्टम ड्यूटी घटाकर 5% कर दी गई। MSME को मदद मुहैया कराने के लिए स्टील स्क्रैप पर कस्टम ड्यूटी छूट को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। मेंथा ऑयल पर कस्टम ड्यूटी को घटाया गया, जबकि कैपिटल गुड्स पर आयात शुल्क में छूट को खत्म करते हुए 7.5% आयात शुल्क लगा दिया गया है। आइए अब आपको बताते हैं क्या क्या महंगा हुआ है। आर्टिफिशियल गहने, बिना ब्लेंडिंग वाले फ्यूल, विदेशी छाते, हेडफोन, ईयरफोन, लाउड स्पीकर, स्मार्ट मीटर, सोलर सेल, एक्सरे मशीन, कैपिटल गुड्स। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर को अवधारणा को चरितार्थ करने वाला बजट है। यह ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर जोर देने वाला बजट है। काम पर जाते हुए स्कूटर मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाते हैं तो वो 100 रुपया पार। घर लौटते हुए सब्जी, दूध, आटा, दाल, राशन खरीदते हैं तो वो कई गुना बढ़ गया। मोदी और योगी सरकारें जिस जनता के नमक की सौगंध खाकर सत्ता में आई थी उसकी कीमत भी दुगनी कर दी 7 साल में। लोग सुकून से अब एक प्याला चाय नहीं पी सकते। सरकार के मुताबिक इस बजट में आजादी के 75 साल से 100 साल तक अमृत काल में 25 साल के दौरान विकास की नींव रखी गई है। निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री के सपने के मुताबिक आजादी के 100वें साल में भारत कैसा हो, इसका विजन तैयार किया गया है। आज तक ब्यूरो।
खीरे के एक्सपोर्ट में सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारत दुनिया का नंबर वन खीरा निर्यातक देश बन गया है। किसानों के लिए कम लागत में बेहतर कमाई कराने वाली खीरे की फसल से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को भी जोरदार फायदा मिल रहा है। अमेरिका और चीन समेत दुनिया के 20 बड़े देशों में भारत से खीरा निर्यात हो रहा है। कृषि के क्षेत्र में पीएम मोदी किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए लगातार वैकल्पिक माध्यमों को अपनाने पर जोर देते रहे हैं। इसमें पारंपरिक खेती के साथ ही पशुपालन, मधुमक्खी पालन जैसे तरीके शामिल हैं। कुछ ऐसा ही कमाल निर्यात आधारित फल और सब्जियों को उगाने से भी करना मुमकिन है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल बनकर उभरा है खीरा। दरअसल भारत दुनिया भर में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। भारत ने अप्रैल अक्टूबर 2021 में $114 मिलियन मूल्य के 1,24,000 मीट्रिक टन ककड़ी और खीरे का निर्यात किया है। भारत ने पिछले कारोबारी साल में अचार बनाने वाले खीरे के निर्यात में $200 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है। खीरे के इस प्रोसेस्ड प्रोडक्ट को गेयर किंग्स या कॉर्निचंस के तौर पर जाना जाता है। इससे पहले 2020-21 में भारत ने $223 मिलियन कीमत के 2,23,000 मीट्रिक टन ककड़ी और खीरे का निर्यात किया था। खीरे को ककड़ी और खीरे के तहत दो सेगमेंट्स में एक्सपोर्ट किया जाता है। इन्हें सिरका या एसिटिक एसिड के माध्यम से तैयार और संरक्षित किया जाता है। खीरे की खेती, प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट की शुरुआत भारत में 1990 के दशक में कर्नाटक में छोटे स्तर पर हुई थी। बाद में पड़ोसी राज्यों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से खीरे को प्रोसेसिंग कर निर्यात किया जाने लगा। दुनिया भर में खीरे की कुल जरूरत का करीब 15% उत्पादन भारत में होता है। लगभग सभी कंट्रियों में इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है। इंडिया का शेयर इस समय 15% बन गया है वर्ल्ड मार्केट के अंदर। यह नॉर्थ अमेरिका के अंदर, अमेरिका, कनाडा, यूरोप के अंदर, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन या यहाँ से चाइना में भी एक्सपोर्ट हो रहा है, रशियन कंट्रियों में एक्सपोर्ट हो रहा है और मिडिल ईस्ट के अंदर भी इसकी बहुत बड़ी मार्केट बन रही है। भारत से अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, कनाडा, जापान, रूस और चीन समेत 20 से ज्यादा देशों को खीरे का निर्यात किया जाता है। भारत में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत करीब 90,000 छोटे और सीमांत किसान 65,000 एकड़ में खीरे की खेती करते हैं। खीरे के एक एकड़ की खेती से किसान ₹80,000 कमाते हैं। औसतन एक खीरा किसान प्रति फसल 4 मीट्रिक टन प्रति एकड़ का उत्पादन करता है और ₹40,000 नेट प्रॉफिट होता है। खीरे की 90 दिन की फसल होती है और किसान सालाना 2 फसल लेते हैं। इसकी वजह से भारत में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को भी काफी फायदा मिलता है। इस कारोबार से भारत में करीब 51 कंपनियां जुड़ी हुई हैं। आज तक ब्यूरो। सरकार ने कितनी ट्रेन चलाई, इनकम टैक्स में कितनी छूट मिली, सबकी नजरें इसी बात पर टिकी रहती थी। लेकिन इस बार देश के 10 करोड़ से ज्यादा लोग वित्त मंत्री के मुंह से क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार की सोच सुनना चाहते थे। क्रिप्टो करेंसी पर महीनों से चले आ रहे भ्रम को वित्त मंत्री ने साफ करते हुए डिजिटल एसेट से होने वाली कमाई पर टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया। आज हम आपको क्रिप्टो को समझाने की कोशिश करेंगे। ये जानेंगे कि सरकार के फैसले का क्रिप्टो के निवेशकों के लिए क्या मतलब है। क्या ₹10,000 ₹8,00,000 बन सकते हैं? आप कहेंगे ये कैसा सवाल है, क्योंकि ₹10,000 का निवेश 800 करोड़ फीसदी रिटर्न होने पर ₹8,00,000 बनेगा। इतना मुनाफा कमाना भले ही फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड और शेयर से संभव ना हो, लेकिन क्रिप्टो करेंसी से संभव है। जुलाई 2010 में एक बिटकॉइन की कीमत सिर्फ 6 पैसे थी। अगर आपने उस वक्त बिटकॉइन में ₹10,000 लगाए होते तो पिछले साल नवंबर में जब बिटकॉइन अपने उच्चतम स्तर पर था, तब आपका निवेश बढ़कर ₹8,00,000 का हो गया होता। यानी करीब 10 सालों में आपके 6 पैसे ₹8,00,000 बन गए होते। यानी मुनाफा ऐसा कि छप्पर फाड़ के जैसे मुहावरे भी कम पड़ जाते। क्रिप्टो करेंसी से जुड़े यही वो आंकड़े हैं जो देश के करोड़ों नौजवानों को इसकी तरफ खींच रहे हैं। भारत में करीब 10 करोड़ से ज्यादा लोग रातों रात अमीर बनने के लिए बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी में अपनी जमा पूंजी झोंक चुके हैं। इसीलिए इस बार के बजट में सिर्फ महंगाई, रोजगार और इनकम टैक्स को लेकर
लोगों में उत्सुकता नहीं थी। क्रिप्टो की वजह से करोड़ों नौजवान सुबह से ही टीवी खोल कर ये सुनने को बेकरार थे कि सरकार क्रिप्टो को लेकर आखिर सोचती क्या है। क्योंकि जिस तरह से पीएम लगातार क्रिप्टो करेंसी को लेकर दुनिया को चेतावनी दे रहे थे, प्रधानमंत्री के एक एक शब्द भारत में इसके 10 करोड़ से ज्यादा निवेशकों को सोने नहीं दे रहे थे। क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन फॉर एग्जाम्पल, इट इज इंपॉर्टेंट दैट ऑल डेमोक्रेटिक नेशंस वर्क टूगेदर ऑन दिस एंड एंश्योर इट डज नॉट एंड अप इन रॉन्ग हैंड्स विच कैन स्पॉइल अवर यूथ। सरकार से आने वाले ऐसे सख्त संदेशों के बीच क्रिप्टो के निवेशकों को बजट का बेसब्री से इंतजार था, जिसमें वित्त मंत्री ने क्रिप्टो के करोड़ों निवेशकों की मन की बात करते हुए इससे जुड़ा सबसे बड़ा ऐलान किया। इंट्रोडक्शन ऑफ अ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी विल गिव अ बिग बूस्ट टू डिजिटल इकोनॉमी। डिजिटल करेंसी will also lead to a more efficient and cheaper currency management system. It is therefore proposed to introduce digital rupee using blockchain and other technologies to be issued by the Reserve Bank of India starting 2022 and 2023. तो मोदी सरकार ने साफ कर दिया कि वो डिजिटल एसेट से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स वसूलेगी। इसके साथ ही इस तरह की एसेट्स के ट्रांजेक्शन पर 1% TDS भी कटेगा। अगर किसी को इस तरह की डिजिटल एसेट्स तोहफे में दी जाती है तो उस पर भी 1% TDS कटेगा। यानी सरकार चाहती है कि सभी निवेशक अपने मुनाफे का एक हिस्सा उसे टैक्स के रूप में दें। लेकिन यहाँ सवाल ये उठा कि जिस क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार अभी तक कानून बनाने में लगी हुई है, उस पर टैक्स लगाकर आखिर वो क्या संकेत दे रही है? क्या वो ये कह रही है कि वो क्रिप्टो करेंसी पर बैन नहीं लगाएगी? और क्या सरकार ने टैक्स लगाकर क्रिप्टो करेंसी के निवेश को एक विकल्प के तौर पर स्वीकार कर लिया है? इस सवाल का जवाब वित्त मंत्री सीधे सीधे देने से बचती रही। डिजिटल एसेट क्या है? क्या इसमें क्रिप्टो, जिसको करेंसी भी कहा जाता है, क्रिप्टो करेंसी, तो जिसके लिए घोषणा की गई है आज बजट में? घोषणा की गई है कि सेंट्रल बैंक एक डिजिटल करेंसी इशू करेगी, बस। उसके अलावा हम चर्चा में क्रिप्टो क्या है, क्रिप्टो एसेट क्या है, अभी नहीं होगा। वो जीरो ड्राफ्ट जो है, जिसके ऊपर स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन चल रही है, आप भी उसमें शामिल हो जाइए। क्रिप्टो पर रिसर्च करने वाली एक एजेंसी के मुताबिक पिछले साल अप्रैल से अब तक क्रिप्टो करेंसी में भारतीयों का निवेश 6,922 करोड़ से बढ़कर 75,000 करोड़ तक पहुँच गया है। एजेंसी का दावा है कि 10 करोड़ से ज्यादा भारतीय क्रिप्टो के निवेशक हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। चैनालिसिस की एक रिपोर्ट भी कहती है कि भारत में क्रिप्टो करेंसी का बाजार बीते एक साल में 641% तक बढ़ा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि $10 मिलियन से अधिक मूल्य के बड़े संस्थागत लेनदेन में से 42% ट्रांजेक्शन भारत में हुए हैं। सरकार जितना ज्यादा इसके ऊपर बात करेगी, आई थिंक उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि कि हर जब भी सरकार या कोई भी रेगुलेटरी बॉडी किसी भी नई करेंसी या किसी भी नई चीज के ऊपर बात करती है, तो उससे जो जागरूकता है वो ज्यादा फैलती है। आपके और हमारे बात करने से शायद उतना फर्क नहीं पड़ता है एक आम जनता को, जितना कि अगर भारत का फाइनेंस मिनिस्टर अगर कोई स्टेटमेंट किसी चीज के ऊपर देता है तो जनता उसको और यही वजह है कि पिछले एक साल में जब से इंडियन मीडिया ने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बात करना चालू किया है, इंडियन पॉलिटिशियंस ने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बात करना चालू किया है, क्रिप्टो के अंदर जो भारत से जो इन्वेस्टमेंट है जो हमने ऑब्जर्व किया है वो कई गुना बढ़ा है। क्रिप्टो करेंसी में भारतीयों की बढ़ती इसी दिलचस्पी की वजह से सरकार पर दबाव है कि वो इसे लेकर अपनी स्थिति जल्द से जल्द साफ करे, क्योंकि ये 10 करोड़ लोगों की जिंदगी से सीधा जुड़ा मामला है। आज तक ब्यूरो। लोगों को क्रिप्टो में होने वाले फायदे के बारे में तो सभी को पता है, लेकिन क्रिप्टो क्या है इसे समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि
डिजिटल मनी तो हमारे और आपके वॉलेट में रखा पैसा भी है, तो वो क्रिप्टो करेंसी से कैसे अलग हुआ, इसे आपको बहुत आसान शब्दों में समझाने के लिए हमने ये रिपोर्ट तैयार की है, जिसे देखकर आप क्रिप्टो करेंसी कैसे अलग है उसे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। साल 2016 नोटबंदी का ऐलान हुआ और 500 और हजार रुपए के नोट की कीमत खत्म हो गई। लोग अपने ही पैसे के लिए एटीएम और बैंकों की लाइनों में खड़े होने को मजबूर हो गए। नोटबंदी के बाद देश की एक बड़ी आबादी डिजिटल ट्रांजैक्शन की तरफ चली गई, ताकि आगे से अगर सरकार दोबारा रुपए की वैल्यू को खत्म कर दे तो वो आसानी से अपने बैंक अकाउंट और वॉलेट से पैसे खर्च कर सके। नोटबंदी में लोग अपने ही पैसे के लिए इसीलिए परेशान हुए क्योंकि उनके पैसों पर उनका कोई अधिकार नहीं था। सरकार ने एक झटके में लोगों की पूंजी को रद्दी बना दिया। तो सवाल उठा कि जब पैसा हमारा है तो इस पर बैंक और अथॉरिटी का कंट्रोल क्यों हो? क्यों हमारे रुपए की कीमत सरकार की पॉलिसी से बढ़ने घटने वाली महंगाई से तय हो? क्या ऐसी करेंसी नहीं बन सकती जिस पर महंगाई का असर ना हो और मेरे पास कितना पैसा है ये बैंक में बैठे लोगों को पता भी न चले? इन्हीं सवालों ने क्रिप्टो करेंसी को जन्म दिया। क्रिप्टो यानी सीक्रेट और करेंसी यानी मुद्रा। एक सीक्रेट मुद्रा, एक सीक्रेट करेंसी, जो भले ही UPI वॉलेट्स की तरह हो लेकिन उससे काफी भिन्न है। UPI से लेन देन के लिए ID जरूरी होती है, जिसे आप लेन देन कर सकते हैं। बिटकॉइन में भी यही होता है, आपकी एक ID होती है जिसके जरिए आप बिटकॉइन जिसे देना चाहते हैं उसे भेज सकते हैं। लेकिन बड़ा फर्क सिर्फ इतना ही है कि UPI और वॉलेट में होने वाले हर लेन देन पर बैंक की कड़ी नजर होती है, लेकिन बिटकॉइन का लेन देन किसी एक एजेंसी के पास न होकर दुनिया भर के कंप्यूटरों में दर्ज हो जाता है और कोई बैंक और सरकार उस पर नजर नहीं रख सकती। क्रिप्टो करेंसी को लेकर दुनिया भर की सरकारों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि इस पर नजर रखना मुश्किल है, इस वजह से इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन ये तकनीक दुनिया में इतनी ज्यादा लोकप्रिय होती जा रही है कि एल सल्वाडोर जैसे देश बिटकॉइन को लीगल करेंसी के तौर पर मान्यता दे चुके हैं, यानी वहाँ पर आप बिटकॉइन के जरिए खरीदारी कर सकते हैं। IMF लगातार अमेरिकी देश अल सल्वाडोर को अपने फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए मना रहा है, लेकिन वहाँ की सरकार इसे मानने को राजी नहीं है, बल्कि ये देश बिटकॉइन की कीमतों में कमी का फायदा उठाकर अपने खजाने में इसे कई गुना ज्यादा बढ़ा रहा है। यानी क्रिप्टो को लेकर सिर्फ आम लोग जोश में नहीं है, एक देश की सरकार को इसमें अपना उज्जवल भविष्य दिख रहा है, जबकि क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने में जोखिम की मात्रा दूसरे विकल्पों से कहीं ज्यादा है। आज तक ब्यूरो। क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लगने से इसमें निवेश करने वाले परेशान हैं। लोग इस पर जमकर मीम्स शेयर करने लगे हैं। ट्विटर पर 30% टॉप ट्रेंडिंग सर्च में आ गया है। कई लोग ट्वीट कर रहे हैं कि घर बसने से पहले ही वो बर्बाद हो गया। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्रिप्टो में निवेश से जुड़े हर अहम सवाल पर एक्सपर्ट की राय आपको सुनाते हैं। Loosely, all of us refer it to the cryptocurrency. They are not currencies. So let's first understand we are not taxing currency that is yet to be issued. And that provision is now made, and a currency in the name of digital rupee will be issued. तो क्या सरकार ने टैक्स लगाकर क्रिप्टो में निवेश को अपनी हरी झंडी दे दी है? सरकार के इस कदम के बाद भारत में क्रिप्टो का निवेश पहले से कहीं ज्यादा क्या सुरक्षित हो गया है? इस सवाल के साथ हम क्रिप्टो एक्सचेंज वजीर एक्स के COO सिद्धांत मेनन के पास गए, जिन्होंने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा। मैं तो सिर्फ एक ही कीवर्ड के लिए देख रहा था कि क्रिप्टो के बारे में कुछ बोले तो सुन लूंगा, और वही हुआ। आई थिंक दो चीजें हुई। एक है कि RBI का जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, इंडियन डिजिटल रुपया आएगा, इसके बारे में बात हुई। और सेकंड जो सबसे इम्पोर्टेंट, आई डोंट थिंक एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम चाहते थे एवरी ईयर के क्रिप्टो टैक्सेशन के बारे में कुछ बोले, और इस बार उसके बारे में बात हुई तो आई थिंक बहुत बड़ा क्लैरिटी आ गया है क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए। सो ये क्रिप्टो टैक्सेशन आई थिंक सबसे हाईलाइट है इस बजट का, एटलीस्ट हमारे इंडस्ट्री के लिए। क्रिप्टो करेंसी में निवेश को बहुत जोखिम भरा माना जाता है, जहां पर कब क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। शायद इसीलिए सरकार की कोशिश छोटे निवेशकों को इससे दूर रखने की हो, जो सही भी है। लेकिन यहाँ दूसरा सवाल ये उठता है कि जब क्रिप्टो को लेकर नियम अब तक साफ नहीं है,
तब पहले से टैक्स लगाने से सरकार आखिर क्या हासिल करना चाहती है? 2017 में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, उनकी आज की वैल्यू 60 लाख रुपए हो गई है मार्केट वैल्यू। तो वो डिस इन्वेस्टमेंट करके पैसे आ रहे हैं, तो नॉर्मल जो इनकम आ रही है, नॉर्मल जो स्लैब है उसमें टैक्स भर रहे थे, कई लोग उसको नहीं भी दिखा रहे थे क्योंकि कोई रेगुलेटर नहीं था, कोई टैक्स रेट नहीं था गवर्नमेंट की तरफ से। तो इस बार पहली बार सरकार ने उसको टैक्सेशन रेट उस पर फिक्स किया है, जो कि बजट के पहले उन्होंने बोला था कि टैक्स स्लैब के हिसाब से चलेगा, वो भी लास्ट ईयर इस बात की चर्चा हो रही थी, उसके पहले तक तो कोई चर्चा भी नहीं थी कि क्रिप्टो करेंसी है भी क्या, ये सरकार के ऑफिशियल नॉलेज में कहीं पे भी नहीं था। लेकिन सवाल यह है कि ये टैक्स वसूला कैसे जाएगा, ये आदेश कब से लागू होगा, क्या जिसने 2017 में क्रिप्टो में निवेश किया है क्या उस पर भी ये लागू होगा? अभी तक उस पे खुलासा जो होना है सरकार की तरफ, क्योंकि ये जब प्रावधान लाया है तो वो भी स्टडी करेंगे कि जो आज से इन्वेस्टमेंट करेंगे उनके लिए लागू होगा, क्योंकि ये तो वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए है ना, जिसका कि लागू होना 1 अप्रैल से है, तो आज से 31 मार्च के लिए क्या होगा? पहली बात, अभी तक जिसके ओपनिंग थे 31 जनवरी को जिसके पास होल्डिंग थी उसका क्या होगा, कैसे वैल्यूएशन करेंगे उसका, उसका मार्केट वैल्यू जैसा मैंने आपको बताया कि आज सुबह 30,000 था डॉलर, शाम को 40,000 हो गया, सुबह में नेक्स्ट डे वापस 28,000 पे आ गया, हाउ विल यू वैल्यू इट? तो एक मैकेनिज्म, और उसने इन्वेस्टमेंट 2017 में जब किया था उस समय में उसकी वैल्यू 8,000 थी, तो आपकी वैल्यूएशन मैकेनिज्म क्या होगी? और उतना जो गेन हुआ जिस दिन से उन्होंने फर्स्ट एंट्री की और आज के तारीख में जिसके पास स्टॉक है या जो अब तक कमा के निकल चुके हैं उसका क्या होगा? तो बहुत से सवालों का जवाब मिलना अभी बाकी है, जिसमें एक सवाल ये भी है कि क्या इसे शेयर बाजार पर निगरानी रखने वाली सेबी रेगुलेट करेगी या फिर इसके लिए किसी नई संस्था का निर्माण किया जाएगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को भारत में निवेश करने वालों की एक बड़ी संख्या है जिनको क्रिप्टो में भविष्य दिख रहा है। जो जिस तरह से एक तो कि ये एक नई टेक्नोलॉजी है, तो नई टेक्नोलॉजी के हमेशा दो तरह के फायदे होते हैं, या तो वो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आगे जाके मेनस्ट्रीम बन जाती है और एक जरूरत बन जाती है लोगों की। जब कोई चीज किसी लोगों की जरूरत बन जाती है तो उसके भाव अपने आप ऊपर उठते हैं। ये बहुत सा कॉमन से, फॉर एग्जांपल आज इंटरनेट और इंटरनेट से जुड़ी जो तमाम कंपनियां थी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, नो फेसबुक, जो बहुत अर्ली डेज में इंटरनेट के ऊपर बनी, जब इंटरनेट मेन स्ट्रीम हुआ और ये कंपनियां, सोशल मीडिया कंपनियां या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा, प्रिंट मीडिया वर्सेस डिजिटल मीडिया, डिजिटल मीडिया का टेक ऑफ चालू हो गया धीरे धीरे। जो प्रिंट मीडिया था जो बहुत एक वक्त पे पावर हाउस था, राइट, अगर कोई लेख छप जाता था अखबारों में तो वो बहुत ज्यादा बड़ी उपलब्धि हो जाती थी, और बहुत आज अगर एक लेख छपता है अगर किसी प्रिंट मीडिया में तो उसका फर्क शायद भी ना हो, लेकिन अगर आपने किसी डिजिटल माध्यम से कुछ किया है तो वो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। तो ये क्यों? क्योंकि इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी इंटरनेट थी, अर्ली डेज में हमने नहीं सोचा कि ऐसा होगा, लेकिन जैसे जैसे दुनिया बदली और दुनिया के हालात बदले, नो तमाम तरह की चीजें बदल रही हैं, उससे डिजिटल अपने आप में प्रोग्रेस हो रहा है। अब एक नई तरह की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको कह सकते हैं, ब्लॉकचेन आ रही है, जो कि बहुत हद तक इंटरनेट है, लेकिन ये कंट्रोल नहीं की जा सकती। भारत में नोटबंदी के बाद डिजिटल करेंसी का चलन तेजी से बढ़ा और अब महामारी ने इसे आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बना दिया। ऐसे में सरकार द्वारा जारी डिजिटल करेंसी ही भविष्य है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसा क्रिप्टो के लिए भी कहा जा सकता है? ये भविष्य है, क्रिप्टो भविष्य का एसेट है, तो क्या ये गोल्ड की जगह ले सकता है हिंदुस्तान जैसे कंट्रीज में? भविष्य ले सकता है ये नहीं, ये तो हमें भविष्य में ही पता चलेगा, लेकिन अगर हम ट्रेंड्स को अगर देखें तो एक चीज बहुत क्लियर है, स्पेशली पिछले 2 सालों में दुनिया जिस तरह के स्वास्थ्य या महामारी से गुजरी है, एक चीज बहुत क्लियर है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का एडॉप्शन अब और ज्यादा तेज हो रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि पहले ये एक जरूरत थी, बट क्योंकि अब जान बचाने का तरीका भी है। आज आप और हम मिलने से कतराएंगे, क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं कि हमें कौन सी बीमारी हो रही है, राइट? तो इसका एक मतलब है कि डिजिटल चीजें तो बनेंगी, और इंसान जो है वो एक सोशल एनिमल भी है, इसका मतलब हम इंटरेक्शन भी करेंगे। तो अगर हम इंटरेक्शन करेंगे और सारी दुनिया अगर डिजिटल हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि जब इस डिजिटल दुनिया को
एक ऐसे मनी सिस्टम की भी जरूरत पड़ेगी जो कि कॉपी ना हो सके, कोई कंट्रोल ना कर सके और हम फ्री होके आपस में लेन देन कर सके। तो जिस तरह से दुनिया का विकास हो रहा है ये तो बहुत क्लियर है कि क्रिप्टो करेंसी या एनएफटीज या मेटावर्स, जो अब एनएफटी का भी एक वर्जन आगे आ गया जिसमें हम अपने आप को फिजिकल अवतार बना रहे हैं और लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, इनका एक्सेलेरेशन और ग्रोथ जो है वो बहुत पहले से बहुत तेजी से हो रहा है। तो ये बट ये डिजिटल करेंसी बिटकॉइन बनेगी या कोई और डिजिटल करेंसी आएगी ये हम नहीं कह सकते क्योंकि ये तो फ्यूचर ही बताएगा, बट क्रिप्टो इन जनरल फ्यूचर है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में उसके समर्थक चाहे जो कहें लेकिन इसमें समझे बगैर निवेश करना अपनी बर्बादी को बुलावा देने के बराबर है। इसीलिए जानकारों का कहना है कि छोटे निवेशकों की इससे दूरी में ही भलाई है। आज तक ब्यूरो।